ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज आप पहुँचे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जो पहले कभी अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, अभी इसका नाम परिवर्तित करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है, क्योंकि यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है कि यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो हम लोग चलेंगे अंदर और इसकी जो भी खूबियाँ हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। इसका जो टिकट काउंटर है पार्क के लेफ्ट साइड में, यहाँ पर टिकट काउंटर है, जो कि आपको 5 रुपये पर व्यक्ति के रूप में यहाँ पर टिकट मिलता है। और उसके बाद जो है कि देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ से चलेंगे अंदर। देखिए, यहाँ पर 2 गार्ड लोग भी बैठे हैं जो कि यहाँ से चेक करते हैं टिकट। तो हम लोग यहाँ से अंदर चलेंगे। चलिए चलते हैं अंदर। देखिए, अगर आप बिना टिकट के पाए जाते हैं तो आपको 50 रुपये का अर्थदंड भी यहाँ पर लगाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर एंट्री करते ही चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति एकदम जस्ट सामने ही आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और यहाँ से एक रास्ता जो है राइट साइड में गया है, जो कि म्यूजियम को चला जाता है इधर से, और उसके जो है कि लेफ्ट साइड में इधर भी रास्ता है जो कि इधर बागवानी है, और गेट नंबर 4 की तरफ ये रास्ता चला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति के पास और चलकर देखने वाले हैं इनकी मूर्ति को। और जो पेड़ के पास इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी वो भी हम लोग यहाँ पर चलकर देखने वाले हैं। कृपया जूते चप्पल यहाँ पर निकाल कर ऊपर चढ़ें। तो हम लोग यहाँ पर शूज वगैरह को निकाल देंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर ऊपर चलने वाले हैं। यहाँ देखिए, जब आप एंट्री करेंगे तो देखिए ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ पर स्टैचू बना हुआ है। और देखिए, इनके बारे में किस डेट को इन्होंने अपने आप को वीर गति को प्राप्त किया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, जो विदेशी सत्ता के साथ सशस्त्र संग्राम में गोली से हाथ होने के कारण जो है 27 फरवरी 1931 को इसी स्थान पर जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन्हीं की याद में देखिए इस स्टैचू को बनाया गया है। बहुत बड़ा स्टैचू है। जब आप यहां से मूर्ति की राइट साइड में आप बढ़ेंगे तो देखेंगे ये छोटी सी बागवानी है। फिर उसका जो पेड़ की हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, वो यही पेड़ है। देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है, क्योंकि वो पुराना पेड़ तो सूख चुका था, उसी जगह पे ये दूसरा पेड़ उगा हुआ है जो कि काफ़ी विशाल है। चलिए आपको पास से चलकर इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है और किनारे यहाँ पर देखिए, पहले पानी वगैरह यहाँ से झरने की तरह गिरा करते थे, लेकिन वो बिगड़ चुका है। पहले जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर दिखता था। बाकी देखिए, बैठने वगैरह के लिए यहाँ पर देखिए कुर्सी वगैरह की यहाँ पर व्यवस्था प्रॉपर की गई है। देखिए, यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो 2 प्रकार के रास्ते आपको दिखेंगे, एक ये रेड वाला और एक ये ब्लैक वाला। तो देखिए, जो ये रेड वाला है ये ट्रैक है, ये सुबह लोगों को टहलने के लिए होता है, ये एकदम जंपिंग की तरह रहता है। और वो जो है कि नॉर्मल रोड है जो कि डामर का बना होता है, वो वही रास्ता है। बाकी इस रास्ते पर अगर आप चलेंगे, किसी प्रकार का पैरों में कठिनाई नहीं पड़ेगा, और यहाँ से आप आराम से जो है इस पर टहल सकते हैं। सुबह और शाम जो यहाँ पर जॉगिंग करने आते हैं वो लोग इसी पर टहलते हैं। बाकी आप ये रास्ता देखिए, सभी लोग अन्य लोगों को जाने के लिए यहाँ पर है। तो फिलहाल हम लोग इसी से चलते हैं। यहाँ पर गुलाब एवं फूलों के परिचित पौधों का विक्रय केंद्र है। अगर आप यहाँ से इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं। वो ये रास्ता है, देखिए वो पूरा वहाँ पर जो कि ग्रीन, उससे देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है।
तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। का ये सीन मुख्य द्वार है। फिलहाल देखिए अभी आज हम लोग यहीं से एंट्री करेंगे, बाकी टाइम आपकी एंट्री वहां से होती है। और चूँकि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय महोत्सव चल रहा है तो टिकट इस समय फ्री है, टिकट इस समय लग नहीं रहा, आपकी एंट्री प्रवेश निःशुल्क है। तो फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे अंदर, अगर कैमरे को ले जाने देते हैं तो फिर आपको अंदर का भी सीन दिखाया जाएगा जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और इसमें जो है कि हम लोग आगे का सीन कवर करेंगे अभी बाद में। देखिए ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का पिस्टल है जिससे उन्होंने खुद को गोली मारी थी, और इसकी खासियत यह थी कि गोली चलने के बाद इससे धुआं नहीं निकलता था, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों से मोर्चा लेने में यहाँ पर सुविधा हुई थी। आज़ाद पेड़ों की ओट से लच कर गोली चलाते थे और पिस्टल से धुआं न निकलने से अंग्रेज अफसर और सिपाही नहीं जान पाते थे कि वह कब किस पेड़ के पीछे हैं। आज़ाद ने अपनी इस पिस्टल का नाम बमतुल बुखारा नाम दिया था। यह पिस्टल चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के एक विशेष कक्ष में इसे रखा गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेट्स हमारे चैनल पर बराबर अपलोड की जाती हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक है, वहाँ से जाकर इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।